बहुत से क्रिएटर जब नया नया चैनल बनाते हैं और वीडियो डालना शुरू करते हैं तो उनके वीडियो पर स्टार्टिंग में ही 500,000 व्यू आना शुरू हो जाते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं व्यवस्था की व्यवसाय। दोस्तों, जितने भी न्यू क्रिएटर होते हैं उनको ये जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है, बड़ी इच्छा रहती है कि अगर हमारी वीडियो पर 1,000 व्यू हो जाते हैं तो हमें कितने रुपये मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपकी वीडियो पर 1,000 व्यू आते हैं तो आपको कितने रुपये मिलते हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको अभी से लाइक कर दिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस तरह की यूजफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और धमाकेदार वीडियो। तो देखिए दोस्तों, बहुत से क्रिएटर जब नया नया चैनल बनाते हैं और वीडियो डालना शुरू करते हैं तो उनके वीडियो पर स्टार्टिंग में ही 500,000 व्यू आना शुरू हो जाते हैं। ये उनके चैनल की कैटेगरी और उनके वीडियो के कंटेंट पर डिपेंड करता है। जहां तक पेमेंट की बात है तो वो आपको तभी मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, और चैनल आपका भले मोनेटाइज ना हो, अगर आपकी किसी वीडियो पर अच्छे व्यू आना शुरू हो जाते हैं तो मोनेटाइजेशन से पहले आपकी वीडियोस पर ऐड आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मोनेटाइजेशन से पहले YouTube आपको 1 रुपया भी नहीं देता है, और चैनल मोनेटाइज के बाद आपकी वीडियो पर चाहे 2 व्यू आए, चाहे 200 व्यू आए, चाहे 5 व्यू आए, चाहे 500 व्यू आए, चाहे 1,000 व्यू आए, चाहे लाखों व्यू आ जाए, आपको हर एक व्यू का पैसा मिलता है। तो देखिए, नॉर्मली ये चैनल की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। जैसे बहुत से लोग गेमिंग का चैनल बनाते हैं, बहुत से लोग फूड का चैनल बनाते हैं, बहुत से लोग कुकिंग का चैनल बनाते हैं, बहुत से व्लॉग वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग टेक का चैनल बनाते हैं, बहुत से लोग फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। ये जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इन सब कैटेगरी पर अगर 1,000 व्यू की बात करें तो हर कैटेगरी के 1,000 व्यू पर आपको अलग अलग पेमेंट मिलता है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। इनमें से जो नॉर्मल कैटेगरी के चैनल हैं, जैसे कुकिंग का चैनल है या व्लॉग का चैनल है या एजुकेशन का चैनल है, इन सब चैनल पर जब आपके बहुत ज्यादा व्यू आते हैं, जैसे 3-4 हज़ार व्यू आते हैं, तब जाके $1 बनता है। अगर आपका चैनल किसी फाइनेंस रिलेटेड जानकारी देने का है या टेक का चैनल है, तो जो इस तरह के चैनल होते हैं इनमें अगर आपके कम व्यू भी आते हैं, जैसे 200 से 500 व्यू भी आते हैं, तो भी आपका $1 बन जाता है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात करें, चाहे आपका किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, अगर 1,000 व्यू आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 25 से 30 रुपये आपके बन जाते हैं। आप लोग कहेंगे इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ 25-30 रुपये इतना कम पैसा क्यों बन रहा है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी की वीडियोस पर व्यू कम आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो करता है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके व्यू भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपकी हर वीडियो पर 25,000, 50,000, 1,00,000 तक के व्यू आना शुरू हो जाते हैं। तब ये मान के चलिए आपकी हर वीडियो से कम 10 से 20 हज़ार रुपये महीने की इनकम होने लगती है। तो दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, वीडियो डालते रहिए, जैसे जैसे आपके व्यू बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।